हमारा टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें नाइन्थ क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स दोबारा रिकॉल करने होंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मोशन एंड रेस्ट, कि हम कब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलते हैं और कब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर टाइम बदलने के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है तो उसको मोशन में कहा जाता है, एंड इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड इट रेस्ट। बट ये कंसेप्ट पूरी तरह से सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करती, इसमें एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ क्या है वो समझते हैं। देखिए, से एक ट्रेन कंपार्टमेंट में दो पैसेंजर्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और ट्रेन मूव कर रही है। अब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें, से पैसेंजर ए पैसेंजर बी, ना तो पैसेंजर ए बी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ना बी ए के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। बट अगर इनको बाहर से कोई, से प्लेटफॉर्म से कोई पर्सन ऑब्जर्व करता है तो ये दोनों उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वाइल बोथ आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें कि जैसे अभी हम लोग घर पर बैठे पढ़ रहे हैं अपने रूम्स में, तो हम लोग रेस्ट पर हैं या मोशन में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर करेंगे वी आर एट रेस्ट। यस, वी आर एट रेस्ट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ, अगर हमें अर्थ से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो हम रेस्ट पर हैं। बट से हम अर्थ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हैं, से यहाँ है, हमें एक ऑब्जर्वर किसी सैटेलाइट से या आउटर स्पेस से देख रहा है, हम यहाँ हैं अर्थ पर, तो अर्थ क्योंकि मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में तो उसके साथ साथ हम भी कर रहे हैं, तो इसको क्या लगेगा कि हम मोशन में हैं। तो द सेम थिंग मे बी इन मोशन एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय पर मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट पर भी हो सकता है। डिपेंड किस पर करता है कि कहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहां से मोशन को जज किया जा रहा है, और ये कंसेप्ट कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने प्लूरल में लिखा है इसलिए ए एक्स ई एस लिखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू अ स्पेसिफाइड बॉडी attached to a specified body relative to which the position of a particle कैन बी डिस्क्राइब। मतलब से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, जो भी सिचुएशन है, हम उसको इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से एसोसिएटेड जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, इस पॉइंट से एसोसिएटेड जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे उनको कहा जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस पॉइंट को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफाइड बॉडी और एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है
उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और उससे एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वो लॉ था एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स इस फॉर्मूला से दिया जाता है। तो यहाँ इसेंशियल था दैट दीज मासेस आर पॉइंट मासेस, ये मासेस पॉइंट मासेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो स्फीयर्स लें, एक स्फीयर जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर अवे एक और स्फीयर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इनके बीच में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये पॉइंट मासेस की तरह से ट्रीट ही नहीं किए जा सकते। ये बॉडीज इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इनके बीच के डिस्टेंस से कंपेरेबल ऑर्डर में है, तो इस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फिर बात आती है, हमने तो इसे सन और अर्थ के केसेस तक में अप्लाई किया है। अर्थ की रेडियस होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, ये अर्थ की रेडियस है, सन की रेडियस इससे भी बहुत ज्यादा है। ये तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट थे, अगर इन पर नहीं लग सकता तो अर्थ और सन पर कैसे लग सकता है? दरअसल अर्थ और सन का साइज, अपना साइज तो बहुत बड़ा है, ये सन हो गया, ये अर्थ है, लेकिन इनकी रेडियस के कंपैरिजन में, इनके साइज के कंपैरिजन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बड़ा है। इनके बीच का डिस्टेंस है लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, तो उसके कंपैरिजन में अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर वो इग्नोरेबल हो गई। इसलिए अर्थ को क्या माना जा सकता है? पॉइंट मास माना जा सकता है। तो जो हम कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसमें यही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अपना साइज उसके चले गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में इग्नोरेबल है, मान लिया एक कार है जो 3 मीटर लॉन्ग है बट उसने डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर्स यानी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स के रेस्पेक्ट में कार का साइज जो है 3 मीटर, वो इग्नोरेबल साइज है। इसलिए कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, बट अगर इसी 3 मीटर की कार ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया होता तो इस केस में हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते थे। तो एक बार रिकॉल करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इन केस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा उसके थ्रू चले गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में इग्नोरेबल होता है। इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इग्नोरेबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में हम लोगों ने 9th में काफी डिटेल में पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, डिस्टेंस तो होता है किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है उसकी लेंथ। मान लिया हमारे पास एक पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट था बी, ऑब्जेक्ट इस तक जाने में इस रास्ते से जाता है, तो इस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भले ही वो किसी भी रास्ते से गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फिर ये तो डेफिनेशन हो गई कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. दोनों की यूनिट मीटर्स है एसआई यूनिट. डिस्टेंस अगर कोई भी बॉडी चलती है कहीं से तो पॉजिटिव ही होता है, अगर नहीं चल रही है तो जीरो होता है, अगर मूव कर रही है तो पॉजिटिव ही होगा. तो डिस्टेंस की वैल्यूज या तो जीरो होती हैं या पॉजिटिव होती हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अब ये चीज़ हमको समझनी है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है. देखिए मान लेते हैं हम मोशन को जज कर रहे हैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट है पी. एक ऑब्जेक्ट इनिशियली इससे 5 मीटर अवे एक पॉइंट ए पर रखा था, कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर चला गया. पॉइंट बी जो है वो पॉइंट पी से 8 मीटर अवे. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा फाइनल पोजीशन 8 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन 5 मीटर, दैट इज 3 मीटर्स. बट अगर सिचुएशन ऐसी होती ये ऑब्जेक्ट ए से उठ के पॉइंट सी पर आ गया एंड सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम पी, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता? फाइनल पोजीशन 3 मीटर, इनिशियल पोजीशन 5 मीटर, अभी ये क्या होता? -2 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाता. डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? अगर ये कहीं भी घूम के आए, या तो चले ही ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, या ये कहीं भी घूम के आए किसी भी रास्ते से होके बस ए पर वापस आ जाए, ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, तब क्या होगा? फाइनल 5 मीटर, इनिशियल 5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. याद ये रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द रेफरेंस पॉइंट. एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम. तो ये डिस्कशन था डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के लिए. अब सिमिलर डिस्कशन है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. देखिए बेटा स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. अगेन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड कैन बी आइदर जीरो और पॉजिटिव. अगर ऑब्जेक्ट नहीं चलता है तो जीरो और मूव करता है तो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है. इन द सिमिलर मैनर वेलोसिटी मे बी आइदर नेगेटिव और जीरो और पॉजिटिव. इफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द रेफरेंस पॉइंट देन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. इफ द ऑब्जेक्ट आइदर डजंट मूव और कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजिशन देन वेलोसिटी इज नेगेटिव, सॉरी वेलोसिटी इज जीरो. एंड इफ द ऑब्जेक्ट गोज अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट देन वेलोसिटी इज पॉजिटिव. मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द रेफरेंस पॉइंट वेलोसिटी इज नेगेटिव. इफ द ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सेम देन
वेलोसिटी इज जीरो एंड इफ द ऑब्जेक्ट गोज अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट देन वेलोसिटी इज पॉजिटिव. बट इसमें एक और कैच है वेलोसिटी के केस में कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होती है और एवरेज होती है. दो अलग अलग तरह से हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ये किसी जर्नी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशो होती है. मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ और अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. इंस्टेंटेनियस velocity is the velocity of an object at a particular moment of time. For example, एक आदमी एक जगह A से सुबह 10 बजे निकलता है. और वो spot B पर पहुंचता है 11 बजे. ए और बी के बीच का डिफरेंस है 50 किलोमीटर्स. डेस्टिनेशन में 50 किलोमीटर्स का डिफरेंस है पोजीशन में. तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी बोलें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 50 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 आवर. देयरफॉर द एवरेज वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर. बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर हो ये ज़रूरी नहीं है. ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 50 किलोमीटर पर आर हो और ऐसा भी हो सकता है ऐसा ना हो. कब? फॉर एग्जांपल राइडर ने जब भी चलना या ये ट्रैवलर जो है इसने जब भी चलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से ही इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आर रही और इसने पूरे रास्ते वेलोसिटी चेंज नहीं की. यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहा तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 50 किलोमीटर पर आर ही होगी. हाउएवर अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है मतलब अलग अलग समय पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग है से चला शुरुआत में बहुत तेजी से चला थोड़ी दूर जाके थक गया रुक गया तो उस समय वेलोसिटी जीरो है. फिर 5 मिनट उल्टे वापस चला कुछ भूल गया था तो अब वेलोसिटी नेगेटिव है. फिर से वापस ओरिजिनल पाथ पे चलने लगा और किसी और रेट से चल रहा है तो वेलोसिटी अगेन चेंज हो गई. तो इस पूरे इंटरवल में अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर पूछा जाए वेलोसिटी कितनी होगी तो वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी डिफाइंड होती है या बताई जाती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है. और जब आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यानी कि इतना स्मॉल टाइम इंटरवल कि ऑलमोस्ट जीरो माना जा सके, जब आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वी बार इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. अभी मैंने क्या बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? अगर वेलोसिटी कैलकुलेट की जाए ओवर अ वेरी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तब यही क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो ये तो एवरेज थी, ये एवरेज वेलोसिटी थी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? V equals to, हमने यहाँ एक कंडीशन प्लेस कर दी, लिमिटिंग कंडीशन, दैट टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. इट इज रेड एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. इट मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के बहुत 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 ज्यादा करीब है. जीरो नहीं है बट इट इज एज क्लोज टू जीरो एज इट कैन बी. ये जीरो नहीं है बस जीरो के बहुत बहुत ज्यादा करीब है. इट इज ऑलमोस्ट जीरो.
therefore we have written as delta t tends to zero. It is approaching zero, but it will never be zero. तो इस केस में ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी जो पहले एवरेज वेलोसिटी थी, ये कंडीशन प्लेस करते ही, क्या कंडीशन प्लेस की हमने, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ये कंडीशन प्लेस करते ही ये क्या बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और अब इसे लिखा जा सकता है एज ds ओवर dt. ds इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम. सो दिस वॉज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कुछ कन्फ्यूजन नहीं रखना है हमें अपने माइंड में, हमें सिर्फ ये कहना है कि ये कैलकुलेट तो ऐसे ही की जाती है जैसे एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, बट इट इज कैलकुलेटेड ओवर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जिससे कि हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या थी वो पता चले.